करीब 2 साल पहले मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया था और इसके 4 सीजन मैंने देखे थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने 4 सीजन के कौन से एपिसोड में मैं पहुंचा था। फिर सोचा क्यों ना इसको दोबारा से, यानी इसके 4 सीजन को दोबारा से देखा जाए। खैर, जिनको फियर द वॉकिंग डेड सीरीज के बारे में नहीं पता है उनको बेसिक या फिर एक ब्रीफ सा छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। आपने जोम्बीज पे मूवी देखी होंगी, सबसे पुरानी मूवी जो मुझे याद आती है जोम्बी के ऊपर रेजिडेंट ईविल, उसके ऊपर गेम भी खेली हुई है, वो फेवरेट है मेरी। खैर, आपने अगर वो जोम्बी मूवी देखी हुई है, अब जिनको लगता है कि यार इस मूवी से पेट नहीं भरा है, तो उनका पेट भरने के लिए एक सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है फियर द वॉकिंग डेड। एक और सीरीज है उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। फियर द वॉकिंग डेड के अंदर टोटल 8 सीजन हैं, 7 कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां चल रहा है, लेकिन अपन ने अभी 4 सीजन ही देखे हैं। 4 सीजन के अंदर इसमें 16 एपिसोड है। बात कर लेते हैं 4 सीजन तक जो इसमें कहानी दिखाई गई है। देखो, 3rd सीजन में जैसे हमें स्टोरी दिखाई जाती है, 4th सीजन में अचानक वो एकदम पलट सी जाती है, पता ही नहीं चलता यार जो 3rd सीजन में चल रहा था अब एकदम से क्या होता है। हाँ, 4th सीजन में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्या चल रहा था, क्या हुआ, एकदम से क्या चेंज हुआ। नए नए करेक्टर्स जो हैं 4th सीजन में इंट्रोड्यूस भी होते हैं, पुराने करेक्टर्स जो हमें 3rd सीजन तक दिखते हैं उनका क्या हुआ वो भी सब चीज़ें हमें दिखती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी दर्दनाक सी होती हैं। इसमें आवाज़ आती होगी, इस पर हाथ टच हुआ है तो। खैर, 4th सीजन में जब हमें पता चलता है कि कुछ करेक्टर्स को अलविदा कहना पड़ता है, जो इमोशनली जिसके साथ हम कनेक्ट थे, जिनको करेक्टर डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से हमारे सामने रखा गया था, अब वो टाइम आ जाता है कि भैया इनको बाय बाय बोलो। कौन से हैं वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट ख़राब हो जाएगा। वो जिस तरीके के सीन इसमें हमें या फिर जिस तरीके के एपिसोड हमें देखने को मिले उन करेक्टर्स को लेकर थोड़ा बहुत तो इमोशनल मैं भी हुआ, और ऐसा सोचा नहीं था कि यार एकदम से इनको बस अब जाना पड़ेगा। अब देखो, पूरी सीरीज में ऑब्वियसली मुर्दे ही हैं जो जिंदा लोगों को खाने पे लगे हुए हैं, जिंदा लोग हैं वो उनसे बचने में लगे हुए हैं। मतलब पूरी दुनिया में बस यही चल रहा है, बस जिंदा लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वो मर रहे हैं, कहीं से कुछ खाना मिल जाए अपने आप को जिंदा रख लें, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है और बार बार रिपीट रिपीट पर हमें देखने को मिलती। फिर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यार ये बार बार देख कर दिमाग ख़राब नहीं होता क्या, फिर से वही रिपीटेड रिपीटेड चीज़ें आती। लेकिन नहीं, इसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि हमारा इंटरेस्ट इनके अंदर बना रहता है, मतलब देखने में मजा आता है कि यार अब ये इंसान कैसे बचेगा, अब ये यहां पर इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ेगा। वैसे 4 सीजन में मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो इसमें जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाया जाता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, कि भाई अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है पूरी दुनिया ख़त्म होने के कगार पे, या फिर कहीं कि ख़त्म हो चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं वहाँ पर, कुछ के बहुत सारे लोग बचे हुए हैं लेकिन उनकी आबादी बहुत कम हो गई है। अब वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी इस सिचुएशन से आगे निकल पाएंगे, वरना अगर कोई हेल्प ही नहीं करेगा तो ये हालात कभी सुधरेंगे ही नहीं, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जो ये हेल्प करने का कॉन्सेप्ट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा यार इस हालात में कौन एक दूसरे की हेल्प करेगा, फिर मैंने पाया, मतलब अंतरात्मा से मैंने अपने आप को मुझे जवाब मिला कि अगर इस हालात में मैं होता तो क्या करता, एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे होते, पता नहीं। और देखो, जो करैक्टर डेवलपमेंट है 4 सीजन के अंदर जो करैक्टर्स हमारे सामने लाते हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब कि इसके शुरुआत से ही जो मुझे अच्छी चीज़ लगती आई है फियर द वॉकिंग डेड सीरीज़ के बारे में, ये हर करैक्टर के बारे में हमें बताता है, उससे कनेक्ट करवा है और बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जब हम आगे जैसे जैसे एपिसोड पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं बताने को लेकिन फिर वही डर लग रहा है कि अगर वो चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी तो आप लोगों को फिर से कहीं लगे यार ये स्पॉइलर दे रहा है, इंटरेस्ट ख़राब कर रहा है, फिर वही टैग मेरे ऊपर आ जाएगा, अरे तू तो स्पॉइलर देता है, तुझे सही ढंग से रिव्यू नहीं करना आता। खैर, ज़्यादा नहीं बात करते। खैर, इसका 5th सीज़न मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके 4 मैंने एपिसोड देख लिए। अब मेन जो मेरी क्यूरियोसिटी इसको ये देखने पे, इसका अंत कैसे होगा। भाई कभी ना कभी किसी चीज़ का तो अंत होना ही है, अच्छा या बुरा या फिर कुछ भी तरीके से हमें दिखाया जाए कि ये सब चीज़ें रुकेंगी कैसे, कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, नहीं है तो लास्ट में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं कोई तो अंत होगा, तो वो एक जानने की इच्छा है। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को दोबारा से देखना शुरू किया या फिर कहीं इसको दोबारा से कंटिन्यू किया। मतलब 3 सीज़न मैंने देख लिए थे या 4 सीज़न मैंने देख लिए थे, तो एक साथ इतना सारा कुछ देखने के बाद फिर मन नहीं किया कि यार फिर से ज़ॉम्बीज़ को बार 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 देखा जाए। अब फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया 2 साल के ब्रेक के बाद। एक तो व्यूज़ की बात है ना, क्योंकि इस वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए थे तो सोचा इस पर एक और बना दे। खैर, अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। बाकी देखो यार, VFX काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीड़ फाड़ इस सीरीज़ के अंदर फुल ऑन दिखाई गई है। मतलब ऐसे ऐसे सीन थे, मैं खाना खा रहा था और वो
चीर फाड़ कर रहे थे। मैंने सोचा यार एंड एंड टाइम पे दिखा रहे हैं जब मैं खाना खा रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, तो बच्चों से दूर ही रहें इस चीज़ से। दूसरा हिंदी डब में भी, और हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी मुझे लगी। खैर बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।